हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कोटेक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारे सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी का वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस एनिमेशंस के बारे में। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सिंपली चलते हैं अपने फाइल में और यहाँ पे अपना CSS में चलेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि हर वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि VS कोड कैसे ओपन करते हैं, और बहुत लोगों को तो अभी भी डाउट होगा कि VS कोड को हम राइट क्लिक करके कैसे डाउनलोड करें। तो प्लीज़ यार, जाइए मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, मैंने उस वीडियो में बनाया हुआ है और आप लोग उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में मैंने बताया तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं फटाक से यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा एनिमेशन के नाम पर और उसको हम लोग HTML नाम देंगे। ओके, मैंने यहाँ पे HTML दे दिया है। अब फटाक से मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाऊंगा और आप लोगों को ये भी मैंने बताया कि बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने स्टाइल के बारे में भी बताया हुआ है कि स्टाइल कैसे लगाते हैं और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। आप बॉडी के ऊपर लगा सकते हो, बॉडी के नीचे लगा सकते हो, जहाँ मन कहाँ वहाँ लगा सकते हो। और हाँ, आप चाहो तो अलग से एक CSS फाइल बनाकर इसको यहाँ से लिंक करवा सकते हो, आपकी मर्जी, जो चाहे वैसा कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाएंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लिया हूँ और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में दोस्तों। तो देखो, एनिमेशन होता क्या है पहले वो बता देता हूँ मैं। एनिमेशन मतलब क्या, कि कोई भी चीज एक रोटेट हो या एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्लेस चेंज करे, या वो कलर चेंज कर दे, या कोई भी चीज जब हो अपने आप से, तो वो एक तरह से एनिमेशन हुआ है, कि एनिमेशन हो रहा है वो। ओके, तो अभी हम लोग उसको क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया और मैं स्टाइल टैग के अंदर ही टारगेट करता हूँ डिव को। ओके, टारगेट करके मैं यहाँ पे डिव को इसका एक विथ लूँगा मैं 100 pixels। ओके, और मैं हाइट ले लेता हूँ 100 pixel। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं विथ और हाइट जो 100 pixel लिया हूँ वो मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी बताऊंगा आप लोग को। और फिर अभी मैं ये 100 ले लिया हूँ, हाइट ले लिया हूँ, विथ ले लिया हूँ, पर पता कैसे चलेगा कि वो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मैं बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे यूज करूंगा मैं रेड कलर का। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे भी देखो रेड कलर यूज कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर पे चलूंगा दोस्तों। और ये भी मैंने बताया है कि ओपन विद लाइव सर्वर कैसे आता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा एक डिव है जो 100% विथ है, सॉरी 100 pixels विथ है और 100 pixel हाइट है दोस्तों। तो इसको हम लोगों ने कलर कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसके अंदर अब ये करेंगे कि ये अपना कलर चेंज करे, मतलब कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई इस पे आए तो ये जितनी बार ये रिफ्रेश हो वो उतनी बार ये कलर चेंज हो दोस्तों। तो अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देंगे कि ये कितने सेकेंड में हो, मतलब कितने सेकंड के लिए हो। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एनिमेशन, यहाँ पे हम लोग अभी यूज करेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन, या सॉरी एनिमेशन ड्यूरेशन की बात हुई थी यहाँ पे, तो मैं गलती से गलत कर दिया। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 4 seconds। तो 4 seconds को यहाँ पे हम लोग 4s लिखेंगे, और मिनट सेकंड के अंदर देना है तो ms लिखेंगे, सीधी सी बात है यार, या कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग टारगेट करेंगे कि भाई ये जो चीज है वो कैसे वर्क, मतलब कि कितनी बार वो कलर चेंज करेगा, मतलब और किस हम लोग टारगेट देंगे। जैसे कि अभी मान लो कि हम लोग ये डिव को टारगेट देकर, सॉरी ये डिव हम लोग ने बनाया। ओके, इसको हम लोग ने CSS स्टाइल के अंदर, CSS के अंदर कैसे हम लोग ने इसको टारगेट किया, एक डिव के थ्रू उसको टारगेट करके ये हम लोग ने काम किया। अब ये चीज 4 seconds तक रोटेट हो, और रोटेट होने के बाद जो कलर चेंज करे उसको टारगेट देने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमेशन का नाम देंगे। ओके, एनिमेशन नेम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो एनिमेशन नेम, अभी एनिमेशन नेम यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, तो एनिमेशन में ना हम कुछ लिख सकते, तो हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा LE। मेरा कीबोर्ड का बटन नहीं काम करता कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एनिमेशन नेम हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एनिमेशन नेम का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो टारगेट करने के लिए CSS के एनिमेशन के नेम को टारगेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे @keyframes। ओके,
याद रखना, जब भी हम लोगों को कोई भी एनिमेशन का काम करना होगा और सीएसएस को टारगेट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं एड्रेट की फ्रेम्स। ओके, की फ्रेम्स यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, की फ्रेम्स। उसके बाद हम लोग वहां पे नाम लिखेंगे जो हमारा एनिमेशन का नाम था। ओके, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस फ्रॉम से लेकर इस टू तक आपको जाना है 4 सेकंड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम लिखा और यहाँ पे अभी मैं कलर ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लूंगा रेड। ओके, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड लेने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों बेटा थोड़ा सा ये सब निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। मैंने बोला कि फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड से स्टार्ट करो और टू तक जाओ। हमारे कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे बैकग्राउंड कलर हमारे, कहाँ तक चले जाओ तुम? ब्लू तक चले जाओ। ब्लू सबसे सबसे ठीक है यार, ब्लू ठीक है, येल्लो ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और अब इसको हम लोग सेव करेंगे दोस्तों। अब देखो हम लोग यहाँ पे सेव कर दिया और हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा विथ 100, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया है। और हम लोग ने यहाँ पे एनिमेशन नेम दिया। अब उस नेम को हम लोग ने यहाँ पे टारगेट किया और बोला क्या कि भाई फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड लेकर 4 सेकंड के अंदर तुम ब्लू चेंज करो। तो अब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइव सर्वर हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि वो 4 सेकंड के अंदर, हम लोग जैसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो 4 सेकंड वो रेड से धीरे धीरे करके करके वो ब्लू हो गया, फिर वापस अपनी जगह पे आ गया है। तो आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। हाँ यार समझ ही गए होंगे। तो चलिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग अब यहाँ पे ना एक रोटेशन लगाते हैं, जैसे कि एक यहाँ से लेकर ऐसे रोटेट हो, क्योंकि अब लोग हम लोग ने ये तो सीख लिया कि कैसे क्या होने वाला है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं कि ये रोटेट कैसे हो। ओके, तो रोटेट के लिए हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे। तो ड्यूरेशन दे दिया गया है, नेम एग्जांपल दे दिया गया है, तो इसके अंदर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग पोजिशन रिलेटिव कर देते हैं। तो पोजिशन रिलेटिव हो जाएगा, तो ये अब मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने अभी क्या किया कि फ्रॉम से लेकर टू तक हम लोग जा रहे थे ना, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 0% से लेकर वहां तक जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले 4 चीजें बनाऊंगा। पहले लिखूंगा यहाँ पे 0%, ओके सॉरी 0%, ओके। अब ये 0% से बेटा 0% से चलेगा, बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा, रेड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया और मैंने ये भी बोला कि ये लेफ्ट साइड से, जैसे कि अब देखो यहाँ पे देखिए, जब ये लेफ्ट साइड से रहेगा तो लेफ्ट साइड से जीरो रहे, मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो, मतलब ये जीरो है, जीरो पोजिशन पे खड़ा है ये, तो जीरो पोजिशन से वो कौन से पोजिशन पे जाए वो देखो, याद रखो। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या बोला इसको कि 0% पे वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट से 0 पे होना चाहिए और टॉप से 0 पे होना चाहिए, तो वो अपने पोजीशन पे खड़े हो। तो उसके लिए हम लोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट 0 पिक्सल, ओके 0 पिक्सल एंड टॉप 0 पिक्सल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ने बता दिया कि भाई क्या करना है तुमको कि लेफ्ट 0% होना चाहिए, सॉरी 0 पिक्सल्स और टॉप 0 वो। तो अभी मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा दोस्तों और यहाँ पे इंसर्ट करूंगा 4 बार, क्योंकि क्या होगा कि 0 से लेकर वो 25% तक जाएगा। ओके, उसके बाद वो जाएगा 50 पे, ओके 50 पे जाएगा, उसके बाद वो आएगा 75 पे भी, या 75 पे भी जाएगा। तो एक हम लोग और यहाँ पे लगाएंगे और उसको करेंगे 100। ओके, तो चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रेड की जगह पे कर देते हैं येलो। ओके, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लू। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सॉरी ग्रीन। ओके, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक्वा कलर कर देते हैं एक्वा। ओके ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करने वाले कि पहले पोजीशन में उन्होंने क्या बोला कि 0% पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट 0 होना चाहिए, टॉप 0 होना चाहिए। अब हम लोग 25% पे क्या बोलेंगे इसको कि भाई लेफ्ट जो होना वो सरक के इधर आ जाए, इधर, तो वो आ जाए 200 पिक्सल पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हमारा हो जाए 200 पिक्सल
लेकिन टॉप हमारा नहीं चेंज होना चाहिए, टॉप हमारा जीरो पिक्सल ही रहना चाहिए, मतलब ऊपर से जीरो पे रहे, मतलब क्या करे सिर्फ वो इधर से इधर आए, ऊपर से नहीं सिर्फ इधर से इधर आए। और अब क्या करेंगे कि तीसरे वाले में क्या बोलेंगे 50% में कि भाई ऊपर से भी तू 200 आ जा और नीचे से भी तू 200 आ जा, समझे आप? नहीं समझे, मैं समझाता हूं, वेट रुक जाओ। देखो मैंने क्या किया यहां पे 200 200 दे दिया, मतलब क्या कि यहां से भी 200 और ऊपर से भी 200, मतलब कि ये ऐसे ऐसे, समझ गए? मैं नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है कि जब वो यहां से यहां आ जाए, जब यहां से यहां आ जाए और यहां से यहां पे आ जाए, यहाँ पे तो क्या करना, उसको बोलना है कि वापस यहां से तू वापस यहाँ पे आ जा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आने के लिए हम लोग उसको जीरो फिक्सल ले देंगे और टॉप में हम लोग क्या करेंगे कि 200 फिक्सल, मतलब कि ऊपर उसको नहीं भेजना है, उसको हमको ऊपर नहीं भेजना है। बेटा मैं आपको दिखाता हूँ, उसको हमको ऊपर नहीं भेजना है, पहले यहां से यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां गया, अब उसको यहां लाना है लेकिन ऊपर नहीं ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट जीरो दे देंगे और टॉप यहाँ पे हम लोग दे देंगे 200 फिक्सल्स। ओके अब वापस क्या करना है कि भाई तू वापस नीचे से ऊपर जाना है, मतलब अब यहाँ पे हमारा आ गया ये बॉक्स, यहाँ आ गया, यहां से अब इसको वहां ले जाना है। तो इसका मतलब क्या करना है, लेफ्ट जीरो और टॉप भी जीरो, दोनों भी चीज जीरो जीरो रखनी है। ओके दोस्तों चलो अभी काम करते हैं, उसको सेव करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर पर चल के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, या प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप लोगों ने जैसे कि देखा, अभी देखो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, अब वापस गया, और कलर भी चेंज हो रहा है दोस्तों, या कलर भी चेंज हो रहा है। अब एक काम करते कि क्या हो रहा है कि ये एक ही बार हो रहा है, मतलब कि इसको मैं अगर एक बार से घुमा रहा हूँ तो वो एक ही बार रोटेट होकर, मतलब एक बार ही पूरा वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करके रुक जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो एक राउंड कंप्लीट करके रुके नहीं, वो इनफिनाइट तक वो चलता रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले एनिमेशन, एनिमेशन क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, एनिमेशन इटरेशन काउंट, हाँ इटरेशन काउंट, या प्रॉपर। तो यहाँ पे हम लोग इनफिनाइट कर देते हैं, ओके सेव करते हैं और फिर उसके बाद चल के देख लेते हैं। चलो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ। हाँ या दोस्तों अब देखो ये इनफिनाइट तक वो चलता रहेगा, मतलब कि अब ये रुकेगा नहीं, अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि ये एक हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज किया है, इसका हम लोग यहाँ पे एक इटरेशन काउंट यूज किया हुआ है, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यू सिर्फ चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग के साथ, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि एनिमेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता गूगल पे जाइए, एनिमेशन डालिए, बहुत सारी चीजें मिल जाती है दोस्तों वहां पे, आप लोग उसको लेकर यूज कीजिए। बस आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी समझाई हुई चीजें अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और हैप्पी रहिए, बाय।